ग्राम खोदा से 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी 50,000 रुपए लेकर हुई लापता। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोदा में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी लापता हो गई, जिसकी शिकायत किशोरी के परिजनों ने बैराड़ थाने में दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर नाबालिग किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। नाबालिग किशोरी के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 10 अक्टूबर की रात नाबालिग किशोरी के पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पर नाबालिग किशोरी और उसकी माँ और भाई बहन थे। रात को वह खाना खाकर सो गए, जिसके बाद देर रात 12 बजे देखा तो नाबालिग किशोरी नहीं दिखी और घर में रखे 50,000 रुपए भी नहीं मिले, जिसके बाद नाबालिग किशोरी का पिता सुबह घर पहुंचा तो मां ने पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में नाबालिग किशोरी का पता किया तो नाबालिग किशोरी कहीं नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत बैराड़ थाने में दर्ज कराई, जहां पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर नाबालिग किशोरी की तलाश शुरू कर दी।